रिलेशन हिंदी में इसको कहते हैं सह संबंध यानी कि दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है क्या कनेक्शन है तो ए म्यूचुअल रिलेशनशिप और कनेक्शन बिटवीन टू और मोर थिंग्स वो चीज क्या कहलाएगी को रिलेटेड कहलाएगी एग्जाम्पल के तौर पे समझिए प्राइस एंड डिमांड आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा होगा तो उसमें क्या है कि जब भी प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड क्या होती है डिक्रीज होती है एज पर लॉ ऑफ डिमांड तो यहाँ पे क्या हो गया प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप है जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप हो यहाँ पे क्या है नेगेटिव रिलेशनशिप आपने पढ़ा होगा कैसा रिलेशनशिप है रिलेशनशिप प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटती है लेकिन इसकी वजह से ये दोनों क्या है को रिलेटेड है क्योंकि इनके बीच में कहीं ना कहीं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है एक की वजह से दूसरे पर इफेक्ट पड़ रहा है क्लियर तो को रिलेशन स्टेटिस्टिक्स में क्या है एक टेक्निक है टेक्निक जिसका यूज करके हम क्या करते हैं डिग्री फाइंड आउट करते हैं कि किस डिग्री तक जो है एक दो वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड हैं और किस एक्सटेंट तक दोनों के बीच में फ्लक्चुएशन होता है एक की वजह से दूसरे में फ्लक्चुएशन होता है इस चीज को फाइंड आउट किया जाता है तो डब्ल्यू आई किंग ने इसको डिफाइन किया था उन्होंने कहा कि कोरिलेशन मींस दैट बिटवीन टू सीरीज और ग्रुप ऑफ डेटा देअर एग्जिस्ट सम कॉजल रिलेशनशिप रिलेशनशिप मींस एक की वजह से दूसरे पे कोई ना कोई इंपैक्ट पड़ रहा है चेंज हो रहा है तो जब भी दो या दो से अधिक सीरीज के बीच में या ग्रुप्स के बीच में ऐसा हो तो समझिए कि वहां पर कोई ना कोई कोरिलेशन है कितना कोरिलेशन है पॉजिटिव है निगेटिव है लीनियर है नॉन लीनियर है वो कैलकुलेट करने पे पता चलता है तो अब आता है टाइप ऑफ कोरिलेशन तो यहाँ पे देखिए तीन बे, तीन बेसिस पे हम जो है कोरिलेशन को डिवाइड कर सकते हैं पहला है पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या हो गया इफ वैल्यूज ऑफ टू सीरीज डेविएट इन सेम डायरेक्शन यानी कि जब किसी दो आ, सीरीज़ की वैल्यूज जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव करती है यानी कि अगर एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रहा है तो इस टाइप के रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे पॉजिटिव को रिलेशनशिप कहेंगे वहीं पर अगर प्राइस घट रहा है और वाई भी घट रहा है तो इसको भी पॉजिटिव रिलेशनशिप कहा जाएगा यानी कि दोनों क्या कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं चाहे घट रहे हैं तो दोनों साथ घट रहे हैं बढ़ रहे हैं तो दोनों साथ बढ़ रहे हैं, तो हैं। यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव को है एग्जाम्पल के तौर पर आप एक्स और वाई को देखिए तो क्या है एक्स की वैल्यू टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी एट थर्टी बढ़ रही है वाई के वैल्यू फिफ्टी सिक्सटी एट्टी फाइव हंड्रेड दोनों की एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या है इंक्रीज हो रही है यानी कि सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पे पॉजिटिव को है इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल लीजिए एक्स और वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या है फिफ्टी थर्टी फाइव थर्टी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी यानी कि घट रही है वाई की वैल्यू ट्वेंटी एटीन फिफ्टीन थर्टीन टेन यहाँ भी क्या है वाई की वैल्यू घट रही है यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं यानी कि यहाँ पे एक्स और वाई के बीच में क्या है पॉजिटिव कोरिलेशन है वहीं पर दूसरा है निगेटिव कोरिलेशन तो निगेटिव कोरोन क्या हो जाएगा इफ वैल्यूज ऑफ टू सीरीज डेविएट इन अपोजिट डायरेक्शन यानी कि प्राइस का बढ़ रहा है तो डिमांड का घट रहा है एक्स का बढ़ रहा है तो वाई का घट रहा होगा एग्जाम्पल के तौर पर एक्स की वैल्यू देखिए ट्वेंटी थर्टी थर्टी फाइव फोर्टी टू फिफ्टी क्या है बढ़ रहा है लेकिन वाई की वैल्यू देखिए फोर्टी थर्टी फाइव थर्टी ट्वेंटी एट ट्वेंटी फाइव यानी कि घट रही है तो दोनों क्या हो गए एक्स और वाई अपोजिट डायरेक्शन हो गए तो नेगेटिव कोरिलेशन है इसी तरीके से एक्स की वैल्यू घट रही है और वाई की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव को रिलेशन हो जाएगा यानी कि दो डेटा हैं आपके पास दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव है दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव कोरिलेशन है दूसरा जो बेसिस है कोरिलेशन को डिवाइड करने का दैट इज़ लीनियर एंड कर्वी लीनियर या फिर नॉन लीनियर कोरिलेशन देखिए लीनियर कोरिलेशन मतलब कि लीनियर मतलब कि एक सीरीज़ में बढ़ रहे हैं यानी कि इफ द रेशियो ऑफ चेंज बिटवीन टू वेरिएबल इज़ कॉन्स्टेंट आप सपोज करिए कि 10 परसेंट जो है हर बार प्राइस में इंक्रीज़ हो रहा है तो डिमांड जो है 5 परसेंट हर बार बढ़ रहा है यानी कि जितनी बार 10 परसेंट से प्राइस इंक्रीज हो रहा है उतनी बार डिमांड में 5 परसेंट का चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया ये लीनियर कोरिलेशन हो गया यानी कि कांस्टेंट चेंज हो रहा है वहीं पे दूसरा एग्जाम्पल क्या है नॉन लीनियर कोरिलेशन तो नॉन लीनियर कोरिलेशन में क्या है कि इफ द रेशियो ऑफ चेंज बिटवीन टू वेरीवल इज नॉट कांस्टेंट यानी कि प्राइस में 10 परसेंट का जब भी चेंज होता है तो डिमांड में कभी 5 परसेंट का चेंज हो रहा है तो कभी 10 परसेंट का चेंज होता है तो कभी ट्वेंटी का चेंज हो रहा है प्राइस में टेनी परसेंट का चेंज हो लेकिन डिमांड में चेंज हो रहा है वो फ्लक्चुएट कर रहा है यानी कि ये नॉन लीनियर कोरिलेशन है कि करवी लीनियर कोरिलेशन है वहीं पर जो तीसरा है दैट इज सिंपल मल्टीपल एंड पार्सिल कोरिलेशन तो सिंपल कोरिलेशन मतलब का सिंपल सा है कि वन कोरिलेशन इज़ बिटवीन टू वेरीवर्स स्टडीज यानी कि

रिलेशन क्या है जीरो यानी कि दो वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशनशिप है ही नहीं क्लियर तो को रिलेशन में दो मेथड होते हैं जिसके थ्रू जो है आप कोरिलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं एक है ग्राफिकल मेथड और दूसरा है मैथमेटिकल मेथड तो ग्राफिकल मेथड में डायग्राम या डॉट ग्राम कहते हैं और दूसरा है कोरिलेशन ग्राफ वहीं वही मैथमेटिकल मॉडल में कार्ल कार्डियसन को कोरिलेशन है स्पियसमैन रैंक को ऑफ कोरिलेशन और कॉन्करेंट एडिविएशन मेथड है तीन मेथड का यूज करके कोरिलेशन रिलेशन को कैलकुलेट किया जा सकता है डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन देखिए कोरिलेशन और रिग्रेशन दोनों का ही यूज जो है वो डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल को मेजर करने के लिए टू और मोर वेरिएबल को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है सपोज करें कि एक्स एक वेरिएबल है और एक वाई वेरिएबल है दोनों के बीच में किस डिग्री और किस डायरेक्शन का रिलेशनशिप है अगर आपको यह मेजर करना है तो आप कोरेशन और रेग्रेशन दोनों का ही यूज कर सकते हैं क्लियर यानी कि प्राइस ऑफ गुड्स और डिमांड ऑफ गुड्स इन दोनों के बीच में अगर आपको डिग्री और डायरेक्शन निकालना है रिलेशनशिप का तो आप जो है कोरियशन रेग्रेशन का यूज कर सकते हैं लेकिन यूज के बेसिस में पहला पहले करें तो अगर आपको सिर्फ रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है डिग्री और डायरेक्शन तो आप कोरिलेशन

आर वाई ऑन एक्स जो होता है वो सिमेट्रिक होता है यानी कि आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर वाई एक्स वहीं पे जो रेग्रेशन कॉफिशियंट होता है वो सिमेट्रिक नहीं होता है यानी कि बी एक्स वाई नॉट इक्वल टू बी वाई एक्स ये नेक्स्ट डिफरेंस हो गया अब हम अगले डिफरेंस की बात करें तो नॉनसेंस कोरिलेशन यानी कि कोरिलेशन में नॉनसेंस कोरिलेशन भी होता है यानी कि ऐसे लोगों के बीच में भी आप जो है रिलेशन कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं डिग्री और डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं जिनके बीच में एक्चुअली रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती नहीं है जैसे अभी एग्जाम्पल दिया आपको कि बल्ब की प्राइस बढ़ रही है तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो यहाँ पर कोई भी जो है रिलेशनशिप नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पर कोरिलेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं क्लियर या इनकम बढ़ रही है तो वेट भी बढ़ रहा है तो ये क्या है ये नॉनसेंस कोरिलेशन लेकिन रेगुलेशन में ऐसा नहीं होता डज नॉट एग्जिस्ट यानी कि नॉनसेंस सेंस

से तो इंडिपेंडेंट होता है लेकिन स्केल पे डिपेंडेंट होता है यहां पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कोरिलेशन इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ऑफ एंड स्केल 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 लेकिन इज बट डिपेंडेंट ऑन में अगर आप कोई चेंज करेंगे तो रेग्रेशन कॉफिशियंट में चेंज हो जाएगा लिमिट ऑफ कॉफिशियंट की बात करें तो कोरिलेशन में प्लस और माइनस वन के बीच में वेरी करता है तो जो कॉफिशियंट लिमिट होती है वो कोरिलेशन में प्लस माइनस वन में वैरी करती है वहीं पर रिग्रेशन में ऐसा जरूरी नहीं है कि प्लस और माइनस वन के बीच में ही रहेगा लेकिन हाँ अगर आप रिग्रेशन कॉफिशियंट को दोनों रेगुलेशन कोफिशेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर उसकी वैल्यू एक से ज्यादा नहीं होती है तो ये ध्यान रखना है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस थे कोरिलेशन रेगुलेशन के बीच में विश्व ऑल द बेस्ट की पहुंचे